मुरलीधर मुरली मनोहर, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, ये सभी नाम श्री कृष्ण को उनकी प्रिय बांसुरी के कारण प्राप्त हुए हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुन न केवल गोपियां बल्कि पक्षी, ग्वाल, गौएं और समस्त ब्रजवासी उनकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आते थे। श्री कृष्ण को अपनी ये बंसी बहुत प्रिय थी। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इस बंसी की अभूतपूर्ण परीक्षा ली थी। जैसे ही उन्होंने इसका वादन किया तो यमुना नदी स्थिर हो गई तथा देवता आदि के वाहन गतिहीन हो गए। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए बांसुरी का वादन किया तो सारी गोपियां बंसी की मधुर ध्वनि सुन अपनी सुधभुत खो बैठी। यहाँ तक कि अनेक ऋषियों की तपस्या में भी बांसुरी की धुन को सुन बाधा उत्पन्न हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण को ये बंसी कैसे प्राप्त हुई और कैसे ये उनकी इतनी प्रिय बनी? श्री कृष्ण और उनके बंसी प्राप्ति को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं में से कुछ विशेष कथाओं के बारे में। कथा अनुसार अपने जन्म के बाद जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ लाए गए तो देवलोक से अनेक देवी देवता वेश बदल कर भगवान श्री कृष्ण को देखने पृथ्वी लोक आने लगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कर देवता देवलोक वापस लौटते समय कुछ ना कुछ भेंट उन्हें देते। एक दिन भगवान शिव की भी श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने की इच्छा हुई, परंतु वे इस विचार में उलझ गए कि आखिर श्री कृष्ण को क्या भेंट किया जाए जिसे वह जीवन भर अपने साथ रखे। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की एक हड्डी पड़ी है। दधीची वह महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे और अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डियों से देवराज इंद्र के परम शक्तिशाली अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ था। भगवान शंकर ने ऋषि दधीची की उस हड्डी को बांसुरी का रूप दिया तथा वृंदावन श्री कृष्ण के दर्शन हेतु साधु वेश में पहुंच गए। भगवान शिव श्री कृष्ण के बाल रूप को देख अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वापस लौटते समय उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी द्वारा निर्मित बांसुरी उन्हें भेंट की। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए एक बगीचे में जाया करते थे। उस बगीचे के समस्त पुष्पों को वह बहुत निहारते थे। उसी बगीचे में एक बबूल का वृक्ष भी था जो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से वंचित रह जाता था। एक दिन उस बबूल के वृक्ष ने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी तो प्रभु बोले, यदि तुम मेरा स्पर्श पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक अंग का दान करना होगा जिसमें तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बबूल श्री कृष्ण से बोला, आपका स्पर्श प्राप्त करने के लिए मैं अनेकों कष्ट सहन करने को तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस बबूल के वृक्ष की एक शाख काटकर उससे एक सुंदर बांसुरी बना दी। बबूल के बलिदान के लिए वह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हो गई और हर समय भगवान उसे अपने पास ही रखने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के किसी श्राप के कारण माँ सरस्वती को पृथ्वी पर बांस रूपी जड़ रूप में धरती पर आना पड़ा, परंतु उन्होंने इससे पूर्व भगवत प्राप्ति की तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सहचरी बनने का वरदान दिया था। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण उस बांस की बनी बंसी को प्रत्येक क्षण अपने समीप रखते थे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।